उत्तराखंड में गुलदार की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि यहाँ राजधानी देहरादून में गुलदार की दहशत कम नहीं हो रही। चिणोवाली में गुलदार ना तो वन विभाग की पकड़ में आ रहा है और ना ही वहाँ से उसकी दहशत कम होती दिख रही है। बता दें कि यहाँ शनिवार को भी गुलदार के पंजों के निशान दिखाई दिए हैं। जानकारी मिलने के बाद डीएफओ मसूरी वैभव कुमार भी मौके पर पहुंचे और पिंजरा लगवाने के साथ ही पूरे इलाके की कॉम्बिंग की गई। रेंजर ने बताया कि वहां लगातार गश्त की जा रही है। शनिवार को गश्त के दौरान उन्हें वहां गुलदार के पंजों के निशान जंगल में मिले हैं। हालांकि निशान कुछ पुराने हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही डीएफओ वैभव कुमार और एसडीओ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद वहां कुछ और जगहों पर पिंजरे लगवाए गए। 24 घंटे गश्त के लिए भी टीमें लगाई गई हैं। गुलदार को ट्रैकलाइज करने के लिए भी डॉक्टरों की टीम तैनात की गई। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अनावश्यक जंगलों के आसपास या अंधेरे में घरों से बाहर न जाएं। वहीं पुरकुल गबर बस्ती और शिव गंगा एन्क्लेव में लगाए गए बोर्ड लोगों को अनावश्यक न घूमने की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल वन विभाग ने गुलदार प्रभावित इलाकों में बड़े बड़े बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। लोगों से ये भी कहा गया है कि वो पिकनिक मनाने या घूमने के लिए अनचाहे जगहों पर न जाएं। इन इलाकों में वीकेंड पर काफी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं, जिससे वहां गुलदार का खतरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।